अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुमन कांजादा एंड वेलकम इन माय चैनल। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूं HTML से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो व्यूअर्स, कोई भी चीज जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसको लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसको हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें क्या हासिल होगा। तो इसी तरीके से HTML या कोई भी लैंग्वेज है या कोई भी सब्जेक्ट, हमें पता होना चाहिए ये है क्या, इसको हम पढ़ क्यों और इससे हमें क्या हासिल होगा। तो जो HTML है ना, वो हमारी बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज है। आपने कोई वेबसाइट बनानी है, आपने वेब पेज बनाना है, आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, आपने जो भी बनाना है, तो उसके लिए जो आपको वेब लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी, वो है हमारी HTML हो गई, CSS हो गई, JavaScript हो गई, PHP हो गई, और भी लैंग्वेजेस आ जाती है। तो जो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है हमारी, वो है HTML। वी कैन से इट इज अ फाउंडिंग लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि HTML क्या है। HTML stands for Hypertext Markup Language, इसका फुल फॉर्म हमें पता चल गया क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम हाइपरटेक्स्ट क्यों कह रहे हैं और मार्कअप क्यों कह रहे हैं। तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है मतलब कि अ टेक्स्ट इन अ पेज कंटेनिंग द लिंक ऑफ अनदर पेज। मतलब हमारा कोई भी एक वेब पेज है, उस पर डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं। कुछ टैग्स जो हमारे होते हैं साइड पर या ऊपर टॉप पर, उनको जब हम क्लिक कर रहे होते हैं तो कोई और दूसरा पेज हमारा ओपन हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। और इस पेज पर हम इस लैंग्वेज को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। हम देख लेते हैं किसी वेबसाइट को खोल के, जैसे ये फॉर सपोज हमारी वेबसाइट खुली हुई है, देख रहे हो ठीक है। अब इसमें साइड में आप देखें कुछ टेक्स्ट हैं जिनको आप अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो वो लिंक शो करा रहे होते हैं। मतलब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट हम इसको इस बेस पर कहते हैं कि आर टेक्स्ट इन अ पेज कंटेनिंग द लिंक ऑफ एन अदर पेज। इस तरीके से ये टेक्स्ट है हमारा, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक प्रोवाइडेड है। तो इस बेस पर हम इसको कहते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज जो है वो हाइपर टेक्स्ट है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट पर कि हम इसको टेक्स्ट कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है हमारी HTML लैंग्वेज है, इसमें जस्ट हमें टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। होल कंटेंट इज मार्क्ड अप विद द टेक्स्ट। मतलब हमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं चाहिए होते जैसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चाहिए होते हैं, कोई स्पेशल टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारी, ये वो जो भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, उन सब की हमें इसमें नीड नहीं पड़ती। इसमें जस्ट हमें टेक्स्ट रिक्वायर्ड होते हैं इस पूरी लैंग्वेज में, उन टेक्स्ट को यूज करते हुए हम अपनी कोडिंग करते हैं। तो इसलिए हम इस बेस पर इसको कह रहे हैं कि ये हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एक तो हाइपर टेक्स्ट, वो मैंने आपको बताया कि किस बेस पर है, उसके अलावा टेक्स्ट, वो मैंने आपको क्लियर किया कि ये इसको हम मार्कअप जो है किस वजह से कहते हैं। तो अब ये हमें पता चल गया कि ये होती क्या है। बेसिकली ये जो है ना, शो कराती है कॉन्टेंट ऑफ द वेब पेज। कॉन्टेंट से क्या मुराद है? आपने कोई भी लिंक दे दिया, आपने कोई टैक्स दे दिया, आपने कोई इमेज दे दी, वो सब हमारे कॉन्टेंट होते हैं जो वेब पेज पर शो हो रहे होते हैं। HTML क्या करता है? इट शोज द कॉन्टेंट ऑफ अ वेब पेज। और वो कैसे शो होते हैं? वो अपने टैक्स को यूज करते हुए शो कराते हैं। तो हम आगे चलते हैं, व्हाई वी लर्न HTML, हम इसको पढ़ते क्यों। तो दोस्तों, आपको कोई वेबसाइट बनानी है, आपको वेब पेज बनाना है, आपने वेब डेवलपर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है, तो उन सब के लिए आपको जो रिक्वायर्ड होती है वो वेब टेक्नोलॉजीज या वेब लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें हमारी बेसिक लैंग्वेज जो होती है वो होती है HTML। उसके बाद हमारी आती है CSS, JavaScript, जो भी हमारी आती है, ठीक है। तो बेसिक लैंग्वेज हमारी होती है HTML। तो जब हमने इन चीजों में से कुछ भी डेवलप करना है, कुछ बनना है डिजाइनर या डेवलपर, तो हमने सबसे पहले HTML को पढ़ना होगा। क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, ये हमें पता चल गया। अब आ जाते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर पर। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या हासिल होता है, ठीक है। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने वेब पेजेस बना सकते हैं, हम कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, हम वेब डिजाइनर बन सकते हैं, हम वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, क्या आउटपुट हमें मिल सकता है, यह सब आपको मैंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं इसकी कोडिंग की साइट पर, सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो हमें सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी, इसकी कोडिंग को करते हुए जो सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होंगे, वो कोई स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। वो जस्ट हमारे क्या है, एडिटर जो होगा हमारा नोटपैड, हम ले सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस, हम ले सकते हैं सबलाइम, हम ले सकते हैं नोटपैड, जो कि हमारे बिल्कुल ही कॉमन है,
हर पीसी में हमारा होता है, हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अलग से कि हम ये लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ये ऑलरेडी हमारे पीसी में होता है। उसके अलावा ब्राउज़र भी अवेलेबल होता है पीसी में, क्रोम ले लें आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज़ कर सकते हैं, मोजिला आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी कॉमनली हमें मिल जाते हैं अपने पीसी में। तो स्पेशल जैसे हमें सी लैंग्वेज में हमें टैग सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना पड़ता था, कोई और लैंग्वेज हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की नीड हमें पड़ती है। तो इसमें हमें HTML में हमें कोई ऐसी नीड नहीं पड़ती, मतलब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जस्ट हमें एडिटर जो चाहिए होता है वो आप नोटपैड ले सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस सब लाइक, अगर आपके पीसी में ये नहीं हो तो आप इंस्टॉल कर लें इफ़ यू वॉन्ट टू यूज दीज टू, अदरवाइज नोटपैड जो है वो आपका अवेलेबल होता है पीसी में, ब्राउजर क्रोम मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं तो कोई भी, मतलब आपके ब्राउजर में आपका ब्राउजर जो है वो होगा आपके पीसी में। तो सॉफ्टवेयर का हमें पता चल गया हमें क्या चाहिए होता है, नोटपैड एडिटर ब्राउजर क्रोम आई मोजिला व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके तो सॉफ्टवेयर हमें पता चल गया, अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक सिंटैक्स पर। हमने बात की थी कि इस लैंग्वेज में हम अपने टैग्स यूज करते हैं, टैग्स हम अपने यूज करते हैं जैसे कि हमारे हो गए अपना पैराग्राफ का टैग ले लेते हैं जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, हम उसके बाद ले लेते हैं इमेज का टैग। ठीक है इमेज हमने ले लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स हम यूज करते हैं इस लैंग्वेज में, मतलब हम टैग्स को यूज करते हुए ही अपनी कोडिंग करते हैं। ठीक है तो टैग्स अब क्या होते हैं, टैग्स होते हैं हमारे जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमारे आ रहे होते हैं। ठीक है इसमें टैग्स जो हमारे होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब कि अगर वो ओपन हो रहे हैं तो उनको क्लोज भी हो रहा है, वो अकेले नहीं आते, कुछ होते हैं बस ऐसे जिनको हमें क्लोज करने के लिए नहीं पड़ती, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब अगर वो ओपन हो रहे हैं तो उन्होंने क्लोज भी होना है। तो जो ओपनिंग टैग होता है ना हमारा वो होता है इस तरीके से शो, मतलब एंजल ब्रैकेट हमारी होती है। ठीक है उनके अंदर जो भी हमने अपना टैग यूज करना है वो हम लिखते हैं और उसी तरीके से हम उसको क्लोज करते हैं, लेकिन सिर्फ बैक स्लैश हम इसमें लगा देते हैं क्लोजिंग टैग में। तो ओपनिंग टैग हमें पता चल गया ये क्या होता है, हमारा एंगल ब्रैकेट्स हो गई, इसमें हम अपना जो भी टैग यूज करना चाह रहे हैं, पैराग्राफ लिखना है, हमने इमेज डालनी है अपनी, हमने कोई अपना लिंक डालना है, वो टैग्स हम जब पढ़ेंगे तो आते जाएंगे सब, लेकिन एक बेसिक सिंटैक्स आपको पता चल रहा है कि टैग्स जो है पेयर की फॉर्म में होते हैं, एंगल ब्रैकेट से वो ओपन और क्लोज होते हैं, क्लोज करते वक्त हमें जस्ट एक बैक स्लैश चाहिए होता है, अदरवाइज सेम होता है। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारा एक पैराग्राफ टैग है ये ओपन हो रहा है, बीच में हमने कोई टैग्स दे दिया HTML फॉर सपोज, उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया, सेम है लेकिन क्या हुआ बैक स्लैश आ गया। ठीक है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का हमें पता चल गया कि टैग्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये इमेज टैग की एग्जांपल देख लें, अभी ओपन हो रहा है यहाँ पे, क्लोज भी हो रहा है। ठीक है अब हम चलते हैं आगे बेसिक सिंटैक्स के ऊपर। ठीक है तो अब कर लेते हैं हम कि HTML जो है इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो बिल्कुल जो बेसिक सिंटैक्स होता है ना इसका वो ये होता है, मतलब कि मैंने आपको बताया टैग्स जो है वो पेयर की फॉर्म में आते हैं, टैग्स जो है वो पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एक टैग ओपन है HTML, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमारा HTML ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे इसने क्लोज भी हो रहा है। ठीक है तो जो पूरा जो हमारा कोडिंग होगी ना वो इन टैग्स के अंदर होगी, HTML एंड HTML के अंदर हम अपनी पूरी कोडिंग करेंगे। आपने कोई टैग्स देना है, आपने कोई लिंक देना है, आपने कोई टाइटल देना है, जो भी आपने देना है हमने देना है वो हम इस टैग के अंदर देंगे HTML के अंदर। ठीक है उसके बाद हमारा आ जाता है हेड टैग। हेड टैग में क्या करते हैं, हम हेड टैग में अपना टाइटल देते हैं, हेड टैग यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके बीच में देते हैं अपना टाइटल टैग और टाइटल टैग के अंदर देते हैं हम अपना टाइटल, वो टाइटल जो हमारा वेब पेज पर शो नहीं होगा वो हमारा शो होगा टाइटल बार पर, ये जब हम कोडिंग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हेड टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे इसमें क्लोज भी होना ही हो गया, इसके अंदर हम अपना क्या देते हैं टाइटल टैग देते हैं। टाइटल टैग कौन सा, जो हमारा वेब पेज पर शो नहीं होगा वो वेब पेज के टाइटल बार पर शो होगा। ठीक है तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी टैग पर, बॉडी टैग हमारा ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज भी हो रहा है। तो जो टेक्स्ट हमें देना है, जो कंटेंट हमें देना है वो बॉडी के अंदर देना है, कोई मैसेज जो हमने देना है वो बॉडी के अंदर देना है। हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, ठीक है इसको आप पैराग्राफ टैग यूज करके भी दे सकते हैं, आप इमेज टैग इसके साथ यूज कर सकते हैं, आपने कोई इमेज डाली है, आपने कोई लिंक देना है तो वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर हम एक्चुअल जो मैसेज होता है ना अपना वो देते हैं। तो ये है बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स, बेसिक कंपोनेंट्स हम इसको कह सकते हैं HTML के, जो हर
कोई भी प्रोग्राम को यूज करते को करते वक्त हमने ये जो कंपोनेंट्स हैं ये चाहिए होंगे, एचटीएमएल हो गया, हेड हो गया, टाइटल हो गया, बॉडी, ये जो है ये बेसिक कंपोनेंट्स है, बिल्कुल हम उसको कह सकते हैं ये बेसिक सिंटैक्स है हमारा या बेसिक कंपोनेंट्स है हमारे जो हमें चाहिए होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम एचटीएमएल फाइल पर। हमने फाइल तो बना ली, जैसे कि हम सी में बनाते थे, कोडिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको सेव भी कर लें। तो इस तरीके से हमने एचटीएमएल में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक कोड एक लिख लिया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा जो है। उसके बाद हमने क्या करना होगा, इसको एडिटर में ले लिया नोट पैड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव भी करते हैं इसको। तो सेव करने के लिए हमें जो एक्सटेंशन चाहिए होगा एचटीएमएल में, वो .htm या .html हमारा जो है वो यूज होता है। एचटीएम कब की बात है, जब हमारे जो सिस्टम्स होते थे वो 3 वर्ड का एक्सटेंशन अफोर्ड करते थे, ठीक है। तो ये तब की बात है, अब जो हमारा यूज होता है वो .html। तो कोडिंग के लिए हमें नोटपैड चाहिए होता है, उसको शो कराने के लिए हमें कोई ब्राउजर चाहिए होता है, कोडिंग का बेसिक सिंटैक्स जो है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जब हम इसको सेव करते हैं तो .html के एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, और जब हम इसको ओपन कराते हैं तो ओपन विद अपना कोई ब्राउजर से शो करा देते हैं, ठीक है। तो हम ये करके देख लेते हैं अभी, ये देखिए हमारा सिंपल सा कोड HTML यहाँ पर ओपन है। मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रही हूँ, आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या HTML हमारा क्लोज हो रहा है, तो जो भी हमारी कोडिंग होगी वो अब इसके बीच में होगी। हमने कोई लिंक दे रहे हैं, हम अपना कोई पैराग्राफ दे रहे हैं, कोई भी हेडिंग दे रहे हैं, आप कुछ भी आप जो कर रहे हैं वो हमारा सारा इन दो टैग्स के बीच में आ रहा है, कोई टाइटल आप दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है हेड टैग, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। उसके बीच में हमारा आता है टाइटल टैग, जो टाइटल देते हैं जो वेब पेज पे शो नहीं होता, टाइटल बार पे शो। और सपोज हम इसको दे देते हैं माय फर्स्ट सो वेट डॉक या व्हाटएवर, ठीक है। आपने ये टाइटल दे दिया, उसके बाद ये हमारा टाइटल टैग क्लोज हो गया। किससे क्लोज हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस आपने एंगल ब्रैकेट के साथ इसको बैक स्लैश दे देना है। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी टैग पर, जिसमें हमने अपना मैसेज देना है, ये ओपन हो गया। उसके बाद हम दे देते हैं अपना मैसेज वेलकम इन माय चैनल, मैं आपको वेलकम कर रही हूँ अपने चैनल में, ठीक है। तो मैंने अपना मैसेज दे दिया, उसके बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। एचटीएमएल जो हमारा बिल्कुल स्टार्ट में ओपन हुआ था वो यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज है। तो ये होता है हमारा बेसिक कंपोनेंट, इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं इसको, डेस्कटॉप पे कर देते हैं, इसको कर देते हैं first.html के नाम से, ठीक है। एक्सटेंशन देख लिया, मैंने इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट दे दिया और .html का एक्सटेंशन से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यू कैन रिप्लेस इट, ओके। तो इसको फर्स्ट को ओपन करा क्रोम्स, गूगल क्रोम्स, देख ली, वेलकम इन माय चैनल। हमने यहाँ पे दिया था टाइटल में अपना टाइटल, पेज का टाइटल, ना कि वेब पेज पे शुरू होगा बल्कि जो वेब पेज का टाइटल बार पे शुरू होगा, माय फर्स्ट डॉग, तो ये आपका शो हो रहा है माय फर्स्ट डॉग, ठीक है। अब ये जो मैसेज हमने दिया था बॉडी टैग के अंदर वेलकम इन माय चैनल, ठीक है, वो मैंने आपको क्या कहा था, हमारे वेब पेज पर शुरू होगा, तो ये शो हो रहा है, ये हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था बिल्कुल इसका बेसिक सिंटैक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे इसकी कोडिंग। आपको बेसिक कोड का पता चल गया, बेसिक सिंटैक्स का पता चल गया, क्या होता है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं इन एवरी टास्क इन एवरी प्रोग्राम ऑफ HTML, ठीक है। सेव कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया, ओपन हमने इसको कैसे कराना है ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कोडिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।